गाइज मोस्ट वेलकम है आप सभी का आज के इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में प्यारे साथियों हम सभी बात करने जा रहे हैं दिल्ली डीएलएड एडमिशन 2024 की कब से शुरुआत होगी। आप में से काफ़ी साथी एडमिशन लेना चाहते हैं और ये भी जानना चाहते हैं आखिर कब से शुरुआत होगी, तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिए और इसमें संपूर्ण जानकारी आपको मिलने वाली है। तो प्यारे दोस्तों अगर मैं बात करूं सबसे पहले जो अपडेट्स है अगर मैं उसके बारे में बात करूं तो उससे पहले मैं बता देता हूं क्योंकि अमूमन कुछ साथी वीडियो नहीं देखते हैं, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं ये है 9136665422। ये है व्हाट्सएप नंबर जिस पर आप कोर्स के रिगार्डिंग नोट्स के रिगार्डिंग या कोई भी आपका जेन्युइन डाउट है उसकी इंक्वायरी आप ले सकते हैं ओनली व्हाट्सएप पर। अब आ जाते हैं हम एडमिशन के बारे में 2024 के बारे में। तो सबसे पहले जो अपडेट्स आए हुए हैं ये ग्रुप पे मैंने कर दिया था, तो आप भी ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सअप करना है आपको, मैं वहां पर इस अपडेट्स को शेयर कर देता हूं। तो यहां पर बता देता हूं, देखिए यहां पर अगर हम बात करें सबसे पहले कलेक्शन ऑफ एग्जामिनेशन फॉर्म बाय डायरेक्ट इंस्टीट्यूट फ्रॉम एग्जामिनेशन सेल एससीईआरटी ऑनलाइन ईमेल, ये इन्होंने मांगा है 10/1/2024 को। ठीक है 10/1/2024 को क्या करा है इन्होंने, कलेक्ट करेंगे एग्जामिनेशन फॉर्म ठीक है ईमेल के थ्रू। उसके बाद क्या है सबमिशन ऑफ एग्जामिनेशन फॉर्म इन द प्रेस्क्राइब परफॉर्म अलोंग विद द कंप्लीट डिटेल एग्जामिनेशन फीस विज कलेक्शन, ये इनको सबमिट करना है 20 तारीख तक। ठीक है 20 से समय दिया है 22 तक, ठीक है 20 से 22 के बीच है तो 22/1/2024 ठीक है, यहां पर भी इस तरीके से लिख सकते हो आप 2024 ठीक है। तो ये क्या है देखिए जनरली समझना है ये ऑनलाइन है आपका ठीक है, जो ईमेल के थ्रू ये अपनी डाइट का अपना सिस्टम होता है इंस्टीट्यूटों को पता होता है आपको नहीं पढ़ना। फिर दूसरी चीज यहां पर 20/1/2024 से क्या करना है स्टूडेंट से फीस कलेक्ट कर इनको 2 दिन के अंदर भेजने होंगे, ये उनकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इंस्टीट्यूट की। उसके बाद अगर हम बात करें एग्जामिनेशन फॉर्म जो है अगर आप 22 के बाद कोई स्टूडेंट लेट करता है तो ₹50 पर डे के हिसाब से फीस लगेगी ठीक है, पर डे के हिसाब से फीस लगेगी। और इसमें आप लास्ट डेट भी क्या है वो भी 23/1 दे रखी है 2024, यानी कुल मिलाकर ये है कि इस डेट तक देना है, ये आपको जो बच्चे डाइट में पढ़ रहे होंगे उनको पता चल चुका होगा। इसके बाद अगर हम बात करें जो इंटरनल असेसमेंट अभी जो डाइट में पढ़ रहे हैं जो काफी स्टूडेंट प्रीवियस ईयर में निकले थे, तो इंटरनल असेसमेंट जो देना है वो 10 तारीख तक देना है आपको 10/2/2024, तो आपको पता होगा ना इंटरनल आपके मार्क्स लगते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सेकंड ईयर के एग्जाम जो हैं वो होंगे 15 तारीख से ठीक है, तो ये है सेकंड ईयर जो डाइट में सेकंड ईयर ट्रेनी पढ़ रहे हैं उनके एग्जाम जो हैं ये होंगे आपके 15/2/2024 से सेकंड ईयर के, लेकिन डीएलएड की इन्होंने फिक्स डेट नहीं दी, तो आप भी अपने ये मान के चलिए जो अभी फर्स्ट ईयर में गए हैं जितने पिछली साल तैयारी करी थी आप वैसे कुछ साथ ही इस वीडियो को देख भी रहे होंगे तो आपकी डेट नहीं आई है कि पेपर कब से शुरू होंगे ठीक है, लेकिन संभावित डेट यही है ठीक है, एनए लिख रखा है नॉट अप्लीकेबल। हाँ फिर इन्होंने बताया हुआ है डीएलएड के लिए यहां पर इन्होंने बता दिया है कि आपके एग्जाम जो है यहां पर आ गया है जो फर्स्ट ईयर है उनके कब से होंगे, तो ये होंगे आपके 2024 यानी मार्च में होंगे आपके ठीक है, तो ये डीएलएड के हैं। अब आप में से काफी साथियों का सवाल ये रहता है कि सर हमें ये बताइए एडमिशन की शुरुआत कब से होगी। भाई देखो मैं फैक्ट पर बातें करता हूं, मैंने आपको व्हाट्सएप पर ग्रुप पर पहले शेयर किया था आज वीडियो बन रही है ये। तो देखिए अगर हम बात करते हैं सेकेंड ईयर के एग्जाम जो है वो फरवरी से शुरू होंगे, विद इन अ वीक में आपको डेट शीट भी मिल जाएगी। दूसरी अगर हम बात करते हैं फर्स्ट ईयर के जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं आप वैसे जिनको हमने पिछली बार तैयारी भी कराई थी आप में से, तो सभी डाइटों में आप पढ़ रहे हैं तो आपके एग्जाम जो होंगे वो मार्च में शुरू होंगे ठीक है। मार्च में कौन सी तारीख से, तो संभावित डेट जो है वो 15/3/2024 है, तो इसके आगे ही मान के चलिए पीछे तो नहीं होंगे, तो 15 से भी शुरू हो सकते हैं या 20 से भी हो सकते हैं, विद इन अ वीक हफ्ता 10 दिन में आपको क्या है डेट शीट देखने को मिल जाएगी, आप अपने इंस्टीट्यूट से अपडेट लेते रहेंगे। तो ये है, तो अब सवाल आता है एडमिशन कब से शुरू होंगे। तो एडमिशन की अगर मैं बात करूं तो प्यारे दोस्तों आप एडमिशन इनके जब एग्जाम होंगे उसके बाद ही आपके एडमिशन शुरू होंगे, तो एग्जाम की वो
उसकी अगर मैं बात करूं तो देखिए यहां पर अगर हम बात करें तो एडमिशन शुरू होने की संभावना भी यही है, मार्च से अप्रैल में आपके एडमिशन शुरू हो सकते हैं। तो जो भी साथी आप में से तैयारी करना चाहते हैं दिल्ली डीएलएड की, तो भाई आपको क्या करना है, अभी बेस्ट समय है क्योंकि दिसंबर खत्म हो चुका है, तो जनवरी फरवरी मार्च 2 से 3 महीने चाहिए, क्योंकि पिछली बार मात्र 15 से 20 दिन मिले थे तैयारी करने के लिए, ओवरऑल आई थिंक 45 ऐसा कुछ दिन थे, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं, मतलब समय काफी कम था कुल मिलाकर। तो आपके पास अगर आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हो तो आप इसको फॉलो कर लीजिए अभी से, ठीक है। चाहे आप नोट्स से पढ़ना चाहते हैं तो नोट्स परचेज कर सकते हो, चाहे आपके पास कोई जर्नल बुक है आप उससे करना चाहते हो सेल्फ तैयारी तो उससे करिए, लेकिन पढ़ना शुरू कर दीजिए अभी से, ठीक है। क्योंकि मैं मानता हूँ जो बच्चे अभी ट्वेल्थ में पढ़ रहे होंगे उनके, देखिए आपको सभी को पता है प्री बोर्ड चल रहे हैं अभी, ठीक है, तो उनके लिए थोड़ा सा और ज़्यादा डिफिकल्ट होगा क्योंकि उनके भी एग्जाम डेट शीट आ चुकी है CBSE की भी, तो उनके लिए तो डबल यहाँ पर मैं कहूँगा कि दिक्कतें आएंगी, स्पेशली ट्वेल्थ वाले बच्चे, टेंथ की तो कोई बात नहीं है। तो भाई उनको देखो अपने बोर्ड को भी साथ में लेना है और उनको भी लेकर चलना है, तो भाई आप क्या करिए लेकिन पढ़ना थोड़ा थोड़ा शुरू जरूर कर दीजिए, ठीक है। तो अभी से तैयारी करोगे तब जाकर क्या है आप मंजिल पर पहुंचोगे, क्योंकि हमेशा कछुआ तभी आगे बढ़ पाता है जब वो धीरे धीरे चलता है, ठीक है, नहीं तो खरगोश की तरह रेस लगाने वाले तो भैया पीछे ही रहेंगे आप, ठीक है। सोचो कि मैंने एंड में लूंगा 15-20 दिन बाद काम हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैंने ओवरऑल बता दिया है आपको, सेकंड ईयर के एग्जाम जो हैं वो 15-2-2024 से होंगे दिल्ली डीएलएड के, ये तो इसके बाद ही जो है आपके एडमिशन रहेंगे। तो अभी आपके पास बहुत अच्छा समय है तैयारी करने का, ये एग्जाम भी क्यों है इलेक्शन हो रहे हैं तो बोर्ड के भी एग्जाम जल्दी हो रहे हैं इस बार, आप सभी को पता है 2024 में इलेक्शन है। तो ये था अपडेट, मैंने आप सभी के लिए बता दिया, एडमिशन आपको पता हो गया, ये है टेंटेटिव आइडिया, बाकी अपडेट मिलते रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।